कब वो टाइम आएगा कि हम लॉस सैंटोस वापस से आ सकेंगे? मुझे अपने घर की बहुत ही ज्यादा याद आ रही है और पूरे लॉस सैंटोस की भी। अरे फेकी बे, तो फिर अपने घर पे क्यों नहीं चल रहे? अरे शिनचे, तुझे पता तो है मैंने इतने सारे लोगों से लोन ले रखा है कि वो मुझे घर में घुसने नहीं देंगे। जब तक हम अपना लोन नहीं भर देते तब तक हम अपने घर पर वापस नहीं जा सकते। हाँ गाइजर, हम अपने घर नहीं जा सकते। अगर आप सबको नहीं पता तो पिछले एपिसोड्स में हमारी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी है। मेरे घर पर बहुत सारे लोग आए थे पैसा मांगने, जिन जिन से मैंने पैसे ले रखे थे, और मैं उनको पैसे नहीं दे पाया तो उन्होंने मेरा घर अपने कब्जे में कर लिया। मेरी गाड़ी, मेरे घर की बिजली काटती, सारा का सारा सामान ले गए और बोला जब तक मैं उनको पैसे नहीं दूंगा तब तक मैं वहाँ पर वापस नहीं जा सकता। इसलिए शिनचैन और मैं लॉस सैंटोस छोड़ के चले गए थे एक दूसरे शहर में, और वहाँ पर हमने अपना सुपर मार्केट शुरू कर दिया था जहाँ पर हम पैसे कमा रहे ताकि हम वापस से लॉस सैंटोस आ पाए। तो गाइजर, हमें चाहिए 1 करोड़ रुपए अगर हमें वापस से लॉस सैंटोस आना है। तो उसके लिए हमें अपने सुपरमार्केट में और भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, उसको और भी ज्यादा अपग्रेड करना पड़ेगा ताकि हम 1 करोड़ जल्दी से जल्दी कमा सके। अभी मैं लॉस सैंटोस आया था ताकि मैं अपने घर को वापस से देख सकूं, पर अभी हम जाने वाले वापस अपने पुराने वाले शहर में और अपने सुपरमार्केट को खोलने का भी टाइम आ चुका है। तो चलो फटाफट से चलते हैं और अपने सुपरमार्केट को ओपन करते हैं। तो गाइजर, अभी हम आ चुके हैं अपने वापस से पुराने वाले शहर में। ये है हमारा बढ़िया सा सुपरमार्केट। जब हमने शुरुआत करी थी बस ये बहुत ही ज्यादा छोटा सा सुपरमार्केट था, पर अब ये धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है। पहले मेरे पास सिर्फ 2 शेल्फ्स थी, पर अब मेरे पास 1, 2, 3, 4, 5 शेल्फ्स और 2 फ्रिज भी आ चुके हैं। ऐसे अपने स्टोर को और भी ज्यादा प्रोग्रेस करेंगे। अभी फटाफट से स्टोर को कर देते हैं ओपन। हम तो स्टोर लेवल 11 पे पहुंचने वाले। हाँ गाइजर, अभी हम स्टोर लेवल 10 पे और हम 11 पर बस थोड़ी देर में पहुंचने वाले। बस एक कस्टमर आएगा और हम पहुंच जाएंगे स्टोर लेवल 11 पर। अभी सारा का सारा सामान तो पड़ा ही, तो कुछ भी रीस्टॉक करने की जरूरत नहीं है। ब्रेड, आटा, कॉफी, चाय, सब का सब यहाँ पर पड़ा है और सब का सब फुल हो रखा है। और गाइजर, अभी आप देख सकते हो हमारे कस्टमर्स यहाँ पर आना शुरू हो चुके हैं। चलो देखते हैं ये क्या, सिर्फ एक कॉफी? मैंने इतना बड़ा स्टोर इसलिए खोला ताकि ये सिर्फ एक कॉफी खरीद पाए? ये क्या, एक पानी की बोतल? अरे क्या हो गया इन लोगों को, इतनी सारी चीजें रख रखी है, एक एक चीज क्यों ले रहे हो? अरे फेकी भाई, दीदी तो बहुत ही अच्छी लग रही है। हेलो दीदी, कैसे हो? मेरा नाम है शिनचैन नोरा और मेरी उम्र 5 साल है। ए, हट, मुझे परेशान मत कर। अबे शिनचैन, उसको छोड़, वहाँ पे कस्टमर आ गए और ये पता नहीं क्या कर रहा है। हाँ, ये हुई ना बात, यहाँ पर इन अंकल ने बहुत सारा सामान लिया है, मतलब बहुत सारा तो नहीं लिया पर कम से कम एक तो नहीं लिया। चलो फटाफट से इनको देते हैं कोरियन फ्राइड कॉमेडी चीज। एक सेकंड, लगता है मेरे पास चीज यहाँ पर खत्म हो चुकी है, अब इसको चीज को ऑर्डर कर देंगे। चलो गाइस, फटाफट से अपने चीज ऑर्डर कर देते हैं। यहाँ पर जाएंगे, परचेज डन, और इनको फटाफट से सामान देते, फिर चीज अपन रीस्टॉक कर देंगे। लेट्स गो, इनको हमने इनका सामान दे दिया, अब फटाफट से चीज लेते हैं और इसको रीस्टॉक कर देते हैं। एक सेकंड, मेरे पास तो जगह ही नहीं बची चीज रखने की, तो मेरे पास जगह ही नहीं, रुक जाओ, इसको वापस रखना पड़ेगा। पहले इनको सारा सामान देते हैं। तो गाइस, पिछले वाले एपिसोड में हमने बहुत सारी कोल्ड ड्रिंक्स और जूसेस रखे थे, इसलिए हमारे फ्रिज पूरे के पूरे भर चुके, तो मैं अब यार चीज नहीं रख सकता, तो थोड़ा एक सेक्शन को खाली करना पड़ेगा, उसी के बाद रख पाऊंगा। फटाफट से इनको चेंज दे देते हैं, इनका भी सामान दे देते हैं 3-1, और इनका कार्ड लेके 16.70। तो गाइस, आज का मेरा गोल है अपने लिए एक कैशियर रखने का, मतलब एक जने को हम हायर करने वाले जो कि सिर्फ कैश का काम करेगा, यहाँ पर बैठ के सारे लोगों के चेकआउट संभालेगा और हम लोग मजे करेंगे। चलो फटाफट से, यहाँ पे चीज की जगह भरी आ चुकी है, यहाँ पर हमने चीज भी रख दी है। फटाफट से डालते डस्टबिन में, मतलब मैं मजे तो नहीं करूंगा, मैं सामान रिस्टॉक करता रहूंगा और वो यहाँ पर काम करेगा, और उसके लिए हमें कितना पैसा चाहिए वो भी देख लेते हैं। तो गाइस, सबसे पहले तो हम आज का अपना लोन भरने वाले हैं $54 का, जो कि हमने $750 का लोन ले रखा है ना, उसको भी हमने उसका आज का लोन भर दिया। तो फटाफट से इनको सारा सामान दे देते हैं, बहुत सारा सामान लिया, $70.53, लेट्स गो डन। फटाफट से इन कस्टमर को फ्री करते हैं, फिर हम देखेंगे हमारे आज के बिल क्या है। उनको पे करने के बाद हम अपने लिए एक कैशियर हायर करने वाले हैं। तो 34.80, थैंक यू। अभी फटाफट से बिल पे करके आते हैं, जो कि होता है रेंट का बिल। तो ये हमारा रेंट है $50 का, इसको भी हमने पे कर दिया। लेट्स गो, फटाफट से इनको सामान दे देते हैं। थैंक यू सर। अरे फेकी भाई, अंकल तो बहुत ही
थाली में सिर्फ एक कोल्ड ड्रिंक ले रहे हो। अगली बार कभी नहीं आऊंगा, मुझे गरीब बोला। अबे शिंचे, ऐसे किसी को भी गरीब मत बुला कर। चलो कैसा, यहाँ पर फटाफट से हायर कर लेते हैं अपने लिए एक कैशियर। लेट्स गो। ये अंकल आ चुके हैं और ये काम करने वाले कैशियर का। अब मुझे यहाँ पर खड़े होके काम करने की जरूरत नहीं है, ये सारा का सारा काम करने वाला है और ये रोज के $80 हमसे लेने वाला है। कोई बात नहीं। तो गाइस, हमने इस सोडा का यहाँ पर प्राइस नहीं रखा, तो अभी इसको फटाफट से प्राइस लगा देते हैं, इसका मैं भूल गया। बाकी सब का तो हमने प्राइस यहाँ पर लगा ही रखा है। तो कैसे हमारा काम पे लग चुका है, बहुत ही ज्यादा धीरे धीरे कर रहा है, पर कोई बात नहीं, जैसे भी करे अपन को चलेगा। अपन को बस सामान देखना है और रिस्टॉक करना है। तो आज मैं सोच रहा हूँ एक और शेल्फ भी लेने की। ये मिल्क इनको यार इतना एक्सपेंसिव लग रहा है, रुक जाओ थोड़ा सा सस्ता कर देते हैं इसको। यहाँ पर तो लाइन लग गई यार, लगता है मुझे ही करना पड़ेगा। अबे कैसे है, थोड़ा जल्दी जल्दी कर ले। इतनी बड़ी यहाँ पर लाइन लग चुकी है, फटाफट से लाइट अपनी शुरू कर देते। $198 हमारे पास आ चुके हैं और अब देखते हैं हमारे पास क्या क्या यहाँ पर खत्म हो चुका है। अभी तो लगभग सारी की सारी चीजें पड़ी है। ये ऑयल खत्म हो गया, ऑलिव ऑयल, हाँ ऑलिव ऑयल हमारा खत्म हो गया फटाफट से। एक सेकंड, एग्स भी खत्म हो गए, तो मुझे एग्स और ऑलिव ऑयल मंगवाना है। तो फटाफट से एग्स मंगवा लेते हैं, ऑलिव ऑयल मंगा लेते हैं, परचेज डन। फटाफट से यहाँ पर उठा दे अपना डब्बा ऑलिव ऑयल का और यहाँ पर सारी की सारी लगा देते हैं। अरे फेकी बे, जल्दी से देखो चौको भी तो खत्म नहीं हो गई ना। अबे तेरी चौको भी, रुक जा अभी देखता हूँ। पहले ये एग्स रख देते हैं यहाँ पर और इसको डालेंगे हमारी चौको भी। अरे नहीं, चौको भी तो बहुत ही बढ़िया है, द चेकआउट्स आर फुल। अरे गाइस, ये तो सही में बहुत ही ज्यादा धीरे धीरे काम कर रहा है, मुझे इसको यहाँ से भगाना पड़ेगा, ये तो बहुत ही ज्यादा धीरे धीरे काम कर रहा है। एक सेकंड, हम एक और चेकआउट की मशीन भी ले सकते हैं, वो कितने की आने वाली है, $500 की। ये तो बहुत ही ज्यादा महंगी है, अभी इसको यहाँ से हमें निकालना ही पड़ेगा। ये सही में बहुत ही ज्यादा धीरे काम कर रहा है, हट जा इनसे, जल्दी जल्दी हमें काम करना पड़ेगा। जल्दी यहाँ पर लिखेंगे 36 30, थैंक यू। अब जल्दी जल्दी हमें इनको सारा का सारा सामान देना पड़ेगा। वो कैशियर बहुत ही ज्यादा स्लो काम कर रहा होगा। हमारे पास जब दो काउंटर आ जाएंगे ना, तब मैं एक हायर करूंगा, पर अभी हम नहीं कर सकते। तो फटाफट से कर लेते हैं कार्ड 13 20, थैंक यू। अब यार पूरी की पूरी यहाँ पर लाइन ही लग चुकी है, तो इनको जल्दी जल्दी इनका सारा का सारा सामान दे देते हैं 550, थैंक यू। और अगर ज्यादा देर इनको वेट करना हो ना, तो ये कस्टमर छोड़ के भी चले जाएंगे। अरे वेकी में ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारे कस्टमर कहीं नहीं जाने चाहिए। अरे हाँ शिंचन, मुझे पता है कहीं नहीं जाने चाहिए, पर ये चले जाते क्या करूं। तो फटाफट से इनको भी सामान देते हैं, इनको इनका आटा देते हैं, $38 इनका चेंज, 5 6 7 8, थैंक यू। तो गाइस, अभी $500 तो होने वाले, पर हमारे स्टोर बंद करने का टाइम आ चुका है। अभी मैं कैश काउंटर तो नहीं लेने वाला, क्योंकि फिर मेरे को सामान भरने के लिए भी पैसे चाहिए होंगे, मेरा जो सामान रिस्टॉक करना होगा तो उसके लिए भी पैसे चाहिए होंगे। फटाफट से इनको देते हैं यहाँ पर इनका सामान कैश, 10 20 30, लेट्स गो। स्टोर को करते हैं क्लोज और आज के दिन को करते हैं खत्म। तो गाइस, आज हमारे पास टोटल 35 कस्टमर आए थे, उसमें 32 कस्टमर सामान लेके गए और हमारा बैलेंस हो चुका है $489। और गाइस, आपका स्वागत है हमारे अगले दिन पर। पास्ता, ऑरेंज जूस और ब्रेड, तीनों का प्राइस चेंज हो चुका है, तो इसको अपन चेंज करने वाले हैं। पास्ता कहाँ पे हमारा, ये रहा पास्ता। ब्रेड हमारे पास पड़ी है, पाउडर शुगर, चोको भी पड़ी है, चाय पड़ी है, कॉफी पड़ी है, पास्ता पड़ा है, ये ऑयल पूरा पड़ा है, आटा पड़ा है, अरे सब चीजें तो पड़ी है, क्या कम है। एक सेकंड, हमारे पास मिल्क कम हो चुका है, बाकी सारी चीजें तो पड़ी है, जो बीच में मंगा लूंगा अगर कुछ जरूरी मंगाना हुआ तो। फटाफट से करते हैं इसको ऑर्डर और स्टोर को अपने खोल देते ताकि कस्टमर्स आते रहे। और अपने यहाँ पर मिल्क भी आ चुका है, फटाफट से सारा का सारा भर देंगे, 3 2 1 3 2 1, लेट्स गो डन। तो यहाँ पर हमने सारा का सारा मिल्क भर दिया और गाइस ये देखो कितनी ज्यादा खतरनाक सुपर कार है यहाँ पर। अरे वेकी में ऐसी गाड़ी तो मुझे भी खरीदनी है। अरे गाड़ी वाले भैया मुझे दो ना, अरे मुझे कहाँ लेके जा रहे हो। अबे शिंचन अपने सुपरमार्केट को इसे छोड़ के जा रहा है, हम भी कभी ना कभी खरीदेंगे, पर अभी हमारा गोल है सिर्फ लॉस सैंटोस वापस जाने का और उसके लिए चाहिए हमें $1 million, तो इसलिए हमें अपने स्टोर पे मेहनत करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर राइस भी हमारे पास खत्म हो चुकी है, तो राइस भी मंगवा देते हैं यहाँ पर डन। चलो फटाफट से सारी की सारी राइस यहाँ पर जमा देते हैं। हेलो दीदी, कैसे हो, मल्ले मल्ले शाबा शाबा पियोगी के कावा कावा। अरे दीदी एक कोल्ड ड्रिंक भी ले लो, अरे दीदी एक नमक भी ले लो, अरे दीदी ये भी ले लो। अबे शिंचन उनको जो लेना होगा वो ले लेंगे। तो गाइस अभी हमारे कस्टमर्स यहाँ पर आना शुरू हो चुके हैं। सबसे पहला कस्टमर 18.60। एक चेकआउट काउंटर हम ऐसे यहाँ पर रखने वाले हैं, तो फटाफट से इनको कर देते हैं, इनका सारा सामान दे देते हैं, 57, थैंक यू। जल्दी जल्दी आते जाओ, एक कोल्ड ड्रिंक चाहिए बस, ओके 2.70, थैंक यू। अरे वेकी में रुको, अब मैं करूंगा, आप बैठ जाओ। अच्छा ठीक है, तू कर ले, मैं थोड़ी देर सो जाता हूँ। हेलो दीदी कैसे हो, आपको पास्ता चाहिए ना, ये लो $1 2।
थैंक यू। अरे भैया ले लो ले लो सब ले लो सब ले लो। अबे शिनचैन ऐसे कैसे बोल रहा है, सब ले लो, उनको जो लेना होगा वो लेंगे ना। अरे वैक्यूम में सबका सब बेच दूंगा, ले लो ले लो ले लो। अरे ये क्या, अरे ये क्या, सिर्फ दो चीज, इससे क्या होगा, लंकर और ले लो। तो गाइस सर, तो गाइस सर अभी अपने लिए एक और चेकआउट काउंटर खरीदने वाले, 3 2 1। अबे शिनचैन मेरे से पूछता तो सही। अरे वैक्यूम में थैंक यू, अब मैं तभी खास नहीं। अबे तेरी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, ये शिनचैन ने तो वो चेकआउट काउंटर खरीद भी डाला, मेरे से पूछा भी नहीं। तो गाइस हमारा सेकंड चेकआउट काउंटर आ चुका है, इसलिए मैं शिनचैन को कुछ करने नहीं देता हूँ। अब हमारे पास पैसे ही नहीं बचे, हमको आज का रेंट भरना है, बिल भरना है, पता नहीं क्या क्या करना था, पर इस शिनचैन के बच्चे ने सारा का सारा पैसा हमारा उड़ा दिया। चलो कोई बात नहीं, अब हमारे पास चेकआउट काउंटर तो आ ही चुका है, तो उसको फटाफट से लगा देते हैं यहाँ पर, लेट्स गो। तो दोनों चेकआउट काउंटर हमारे पास यहाँ पर आ चुके हैं, इनको देते हैं फटाफट से, इनको इनका सामान देते हैं। फिर गाइस हम अपने लिए आज वापस से वो एक और जना हायर करने वाले हैं, जो कि हमारे लिए काम करेगा 50 60 70 1 2 3 50 10 10 70। अरे ये क्या, ये तो पीछे वाले काउंटर पे भी आ रहे हैं। अरे एक बार में दो दो काउंटर कैसे संभालूं, जल्दी से उसको हायर कर लेते ताकि वो सारा का सारा काम करने लग जाए। यहाँ पर जाएंगे मैनेजमेंट में, कैशियर हमने कर दिया हायर, लेट्स गो, यहाँ पर हायर कर दिया है और ये वाला मैं संभालूंगा। हमारा वो कैशियर बहुत ही धीरे धीरे काम करता है, इसलिए मुझे दूसरा काउंटर लेना पड़ा। तो फटाफट से करते हैं 35.10, थैंक यू। कुडंट फाइट कॉमेट चीज, हमारी चीज यहाँ पर खत्म हो चुकी है, तो फटाफट से चीज को थोड़ा ऑर्डर कर देते हैं। यहाँ पर हमने करी ऑर्डर चीज और ये लेट्स गो डन हो चुका है, फटाफट से चीज कर देते हैं रीस्टॉक। और गाइस बहुत सारी चीजें खाली हो चुकी है, बहुत सारी कोल्ड ड्रिंक्स खाली हो चुकी है, उनको हमें ऑर्डर करना पड़ेगा। तो फटाफट से चलते हैं यहाँ पर, सोडा, एप्पल जूस, सोडा, ये वाली अलग अलग तरह की सोडा है, सारी की सारी ऑर्डर कर देते हैं, लेट्स गो डन। यहाँ पर सारी की सारी चीजें आ चुकी है, एप्पल जूस या ऑरेंज जूस हमारा आ चुका है, एक सेकेंड, सारा का सारा ऑरेंज जूस हमने यहाँ पर रख दिया। और देखते हैं इसमें क्या है, यहाँ पर है अलग तरह की सोडा, इसको पहले रखते हैं, हमारा कस्टमर आ चुका है, इन्होंने बहुत सारा सामान लिया है, तो इनको सारा सामान दे देते हैं। और अब वापस से सारी की सारी सोडा इसमें डाल देते हैं और देखते हैं इसमें, एक सेकंड, इनको क्या नहीं मिला था, अरे मैंने देखा ही नहीं। चलो फटाफट से इसको भी डाल देते हैं, सारी की सारी कोला, और इधर भी डाल देंगे, और बाकी इधर रख देते हैं। कुडंट फाइंड पीनट बटर, इनका पीनट बटर भी हमारा खत्म हो चुका है, तो फटाफट से पीनट बटर भी कर देते हैं ऑर्डर। मैं सोच रहा हूँ यार अपने लिए स्टोरेज खरीदने की, क्योंकि यार बिना स्टोरेज के काम करना बहुत मुश्किल है, हमारे पास सारा सामान पहले से पड़ा होगा ना, तो दिक्कत नहीं होगी। अरे एक सेकंड, मैं क्या उठा के लेके आ गया, पीनट बटर चाहिए था मेरे को, सारा का सारा पीनट बटर रख देते हैं यहाँ पर, डन। और अभी शाम भी हो चुकी, तो फटाफट से लाइट भी शुरू कर देते हैं। और यहाँ पर ये जो दूसरा जूस हमारे पास आया है, एप्पल जूस, इसको भी फटाफट से, पूरी की पूरी फ्रिज हमेशा फुल रहनी चाहिए, तो यहाँ पर रख दे, इसको डालते हैं। और ये आखिरी अलग तरह की कोल्ड ड्रिंक है हमारे पास, इसको भी रख देते हैं। तो गाइस हमारा फ्रिज यहाँ पर पूरा का पूरा फुल हो चुका है, और फटाफट से शुरू करते हैं, अपने कस्टमर्स यहाँ पर आने लग गए हैं, 50 60 70 80 90, थैंक यू। और गाइस हमारा सामान बहुत ही ज्यादा खाली हो चुका है, पर कोई बात नहीं, ये सुबह करें, क्योंकि अभी टाइम होने वाला है थोड़ी देर में स्टोर बंद करने का, तो इन सबको हम बाद में फुल कर लेंगे। अभी इसको यहाँ पर रखते, कस्टमर आ चुका है, 1 2 3 कार्ड लेंगे, 16.20, लेट्स गो, डन। और गाइस इन्होंने तो बहुत ही सारा सामान लिया है, इनका कैश लेंगे, 1 2 3 10, थैंक यू। और गाइस सिर्फ 15 सेकंड है हमारे स्टोर को बंद करने के लिए, तो जाके फटाफट से स्टोर को कर देते क्लोज, ये आखिरी कस्टमर्स हमारे आज के होने वाले हैं, फटाफट से इनको सारा सामान देते हैं और आज अपने स्टोर को बंद करते हैं। आज हमने अपने लिए खतरनाक चेकआउट काउंटर ले लिया और हमारा सामान भी लगभग खत्म हो चुका है, तो सबसे पहले आते हैं, हमको सारा सामान रिस्टॉक करना पड़ेगा। और ये आज का हमारा लास्ट कस्टमर जो कि रहा है उधर, चलो इसको फटाफट से फ्री करते हैं। ओ अंकल ढंग से काम करा करो यार। और इनका सामान देखो कितनी धीरे 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 आराम आ जा रहा है, इतनी देर में तो 5 कस्टमर को फ्री कर देता, इनका इन्होंने कार्ड ले लिया, और अंकल थैंक यू आने के लिए। तो फटाफट से आज के लिए अपने स्टोर को करते हैं क्लोज। हमारे पास टोटल 31 कस्टमर आए थे और हमारा टोटल प्रॉफिट था $2 और हमारा बैलेंस है $391, क्योंकि मैंने अपने लिए वो चेकआउट काउंटर लिया था। तो स्लाइस तो ब्रेड की यहाँ पर प्राइस बढ़ चुकी है, अब यहाँ पर जितने बिल है उनको पे कर देते हैं और हमारे पास ₹1 भी नहीं बचा, फटाफट से अपने स्टोर को खोल देते हैं। और मैं सोच तो रहा हूँ यार एक और लोन लेने की, $2000 का हम लोन ले लें तो मैं बहुत सारी चीजें खरीद सकता हूँ, क्या बोलते हो, ले लिया जाए। अरे
ले लो ले लो। तो गाइस यार मैंने सोच लिया है, मैं भी एक और लोन लेने वाला हूँ $2,000 का। तो फटाफट से इस लोन को ले लेते हैं और आप देख सकते हो $2,000 हमारे पास आ चुके हैं। तो गाइस यार अब क्या किया जाए, हमें बिल्कुल सब चीजें देख देख के करनी पड़ेगी। सबसे पहले मैं सोच रहा हूँ ये लाइसेंस लेने का, क्योंकि ये बहुत ही जरूरी है, हम और भी ज्यादा सामान बेच सकते हैं इससे। और हमने ये ले लिया। और गाइस यार इस लाइसेंस में जो भी चीजें वो हम सिर्फ बेच सकते हैं फ्रीजर में, तो हमें एक फ्रीजर भी चाहिए होगा। तो $400 का हम एक फ्रीजर भी ले लेते हैं। और यहाँ पर कस्टमर आना शुरू हो चुके हैं। ये क्या एक चीज है, तो ये एक एक लेते हैं, इनको भगा दूंगा मैं। कुडंट बाय, इनको पानी की बोतल भी नहीं मिल रही। रुक जाओ, फटाफट से ये फ्रीजर खोल लेते हैं। और फ्रीजर हम रखने वाले हैं यहाँ पर। अभी इसको बीच में रख देते हैं, जब हमारे पास और ज्यादा चीज आएगी फिर इनको संभालेंगे। अभी फटाफट से अपने कस्टमर को दे देते हैं सारा सामान। 15.30, थैंक यू, आ जाओ अंकल फटाफट से। तो इन फ्रीजर्स के अंदर हम बहुत सारा केक और ये सब चीजें रखने वाले हैं। अभी आपको दिखाता हूँ क्या क्या चीजें हम रखने वाले हैं। पहले सारा का सारा सामान रीस्टॉक कर लेंगे। दो अलग तरह के केक, कैंडी, सीरियल, चॉकलेट बार और योगर्ट, फटाफट से इनको करते हैं ऑर्डर। सारा का सारा सामान यहाँ पर आ चुका है। सबसे पहले हमारे केक ये शेल्फ्स के अंदर जाने वाले। मैंने सोचा था ये फ्रीजर के अंदर जाएंगे, पर ये तो यहाँ पर शेल्फ्स में आने वाले। तो फटाफट से रख देते हैं इसको यहाँ पर। और ये पता नहीं क्या चीज है, इसको भी रख देते हैं यहाँ पर। चॉकलेट हमारे पास आ चुकी है, इसको रखेंगे यहाँ पर। इसका प्राइस रखेंगे $4। और यहाँ पर कस्टमर आ चुका है, फटाफट से इनको सारा सामान दे देते हैं 30.70। तो गाइज़ अब बहुत ही जल्दी जल्दी चल रहा है, इसलिए मैंने इसको हायर किया था ताकि ये काम भी करता रहे और साथ में हमारा काम भी चलता रहे। तो फटाफट से खोलते हैं। यहाँ पर हमारे पास कैंडीज भी आ चुकी है, इसको हमें कहाँ रखना है, हमें इसके शेल्फ में रखना है। तो यहाँ पर सारे की सारी रख देंगे कैंडीज, लेट्स गो डन। और इसको डालते हैं डस्टबिन में। और ये आखिरी बॉक्स यानी आखिरी केक हमारा है, इसको भी यहाँ पर रख देते हैं। 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1। और ये डन। और इसका प्राइस हम रखने वाले हैं $2.20। तो गाइस यार यहाँ पर हो गया। और ये क्या, बहुत ही बड़ी कस्टमर्स की लाइन लग चुकी है। फटाफट से इनको इनका सामान देते हैं। थैंक यू सर। इनको कैंडी नहीं मिली, कैंडी मैंने अभी अभी रखी है, तो अब से इनको मिल जाएगी। यहाँ पर इनको सारा सामान दे देते हैं। 3, 2, 1, ये लो जल्दी जल्दी। और इनका कार्ड लेके $50। तो गाइस यार अभी मुझे चाहिए एक फ्रिज और एक शेल्फ। तो फटाफट से उन दोनों को ऑर्डर करते हैं। मुझे लगता है मेरा सारा का सारा पैसा इधर ही खत्म होने वाला है। एक शेल्फ और एक छोटा फ्रिज की बड़ा फ्रिज बड़ा ही मंगा लेते हैं एक ही बारे में। यहाँ पर हमारा फ्रिज भी हमने ऑर्डर कर दिया। फटाफट से पहले इनको सामान देते हैं, फिर उसको जमाएंगे। यहाँ पर सबसे पहले हमारी शेल्फ आ चुकी है, तो फटाफट से शेल्फ को रखते हैं यहाँ पर। नहीं एक सेकंड, ये तो फ्रिज है। तो यहाँ पर हमने अपना रख दिया फ्रिज। पहले थोड़ा सा जगह करनी पड़ेगी फ्रिज के लिए। यहाँ पर उठा के इधर रखते हैं, यहाँ पर इसको खिसकाएंगे और ये डन। अब सारी की सारी इसमें चीजें हम रखने वाले, पूरा का पूरा भर देंगे इसको। योगर्ट 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 योगर्ट, मतलब हमारा दही भी यहाँ पर आ चुका है। और इनकी प्राइस हम रखने वाले हैं $2। और हमारे पे कोल्ड ड्रिंक्स भी है, जितनी बची सारी चीजें यहाँ पर रख देंगे। ये हो गया डन। फटाफट से इस शेल्फ को उठा के रख देते हैं यहाँ पर, डन। और यहाँ पर कस्टमर्स आ चुके, फटाफट से इनको सामान देते हैं 17.50। और इधर भी इनको दे देते हैं इनका कार्ड 23.20। लेट्स गो। और गाइस सर अभी हमें पानी की बोतल ऑर्डर करनी पड़ेगी, अभी सबका सब बंद होने वाला है, तो जल्दी से ऑर्डर करनी पड़ेगी पानी की बोतल। पानी की बोतल का पानी की बोतल जल्दी से 2 क्रेट ऑर्डर कर लेते हैं परचेज। और गाइस सर मैं सोच रहा हूँ लाइसेंस भी लेने का, पर वो कल करेंगे। अभी फटाफट से पानी की बोतल यहाँ पर जमा देते हैं, क्योंकि बहुत टाइम से हमारे पानी की बोतल थी नहीं, अभी यहाँ पर आ चुकी है। और हमारे यहाँ पर कस्टमर भी आ गए, इनको फटाफट से इनका सामान देते हैं, चेंज देंगे और अपने स्टोर को करने वाले हैं क्लोज, क्योंकि 9 बज चुकी है और हमारी जैप सोडा भी खत्म हो चुकी है। कोई बात नहीं, सुबह रिस्टॉक करेंगे। अभी पहले लास्ट कस्टमर्स को इनका सारा का सारा सामान दे देते हैं। पानी की बॉटल्स भी यहाँ पर आ चुकी है सारी की सारी। और ये हमारा आज का लास्ट कस्टमर है, इसके बाद अपने स्टोर को करने वाले हैं हम बंद। तो आज है टोटल 33 कस्टमर्स और उनको 16 कस्टमर को उनका सामान दे पाए। टोटल बैलेंस हमारा $1,100। तो गाइस यार यहाँ पर मिल्क का प्राइस हो चुका है कम, और अभी सारी की सारी चीजें रीस्टॉक करनी है। ऑयल नहीं चाहिए, सॉल्ट नहीं चाहिए, चोको बीज नहीं चाहिए और आटा भी नहीं चाहिए। बहुत सारी चीजें चाहिए, मतलब हमें चाहिए ब्रेड, आटा, ब्लू वाला हमारे पास पड़ा है ना। हाँ, तो ब्रेड की हम करेंगे 2 क्रेट ऑर्डर, क्योंकि अब हमारे पास सामान भी आने लग गया है। तो फटाफट से कर लेते हैं एड टू कार्ट। और हमारे पास कॉफी, चाय भी खत्म हो चुकी है, पीनट बटर भी खत्म हो चुका है। और यहाँ पर ये फ्लोर मंगा रहे, तो फटाफट से ये सारी की सारी चीजें हमने मंगा दी। राइस, स्पेगेटी, एक और राइस, एक और स्पेगेटी यहाँ पर मंगवा लेते हैं। तो कहे सर अब ये सारा का सारा सामान आ चुका है, इसको फटाफट से रीस्टॉक करते हैं, फिर अपने स्टोर को ओपन करेंगे। उससे पहले सारा का सारा रीस्टॉक करना पड़ेगा। तो सारा का सारा यहाँ पर डाल देते, इसको यहाँ से उठाएंगे और इधर रखेंगे, ताकि
ताकि ये पूरी की पूरी शेल्फ हो जाए सेम टू सेम आटे की। तो यहाँ पर ये हो गया, इसको डालते डस्टबिन में। इसमें क्या है, हमारा पास्ता आ चुका है। तो ये वाली शेल्फ में पूरी की पूरी पास्ता की बनाने वाला हूँ, तो इसको डालते हैं फटाफट से। और यहाँ पर हमारी बासमती राइस आ चुकी है, तो राइस को हम रखेंगे इधर और ये डन। और ये सीरियल भी आ चुका है आखिरी, और ये भी डन, सारा का सारा फिल हो चुका है। और गाइस हमारा स्टोर अब पूरा का पूरा भर चुका है। एक बार भी मैंने अपने पूरे स्टोर को भरा हुआ नहीं देखा था, सारी की सारी शेल्फ भरी हुई है बिल्कुल। अरे एक खाली कैसे रह गई, अब एक खाली रह गई तो एक को भरना तो बनता है। अब इसके लिए मंगा लेंगे पीनट बटर, और ये पीनट बटर मंगा के हमारी सारी की सारी शेल्फ अब आखिरकार कंप्लीट हो चुकी है। और ये फ्रिज खाली है, इसको मैं नहीं भर रहा अभी, पूरा का पूरा भर दिया मैंने। और ये तो हमारा बची गया, पूरा का पूरा फ्रिज ऐसे ही पड़ा है। और मैं सोच रहा हूँ कैश काउंटर्स को भी थोड़ा हिलाने का, क्योंकि हमारी अब जगह ही थोड़ी कम पड़ रही है। अपने स्टोर को जब बड़ा करेंगे ना तब और भी ज्यादा मजा आएगा। तो फटाफट से इसको घुमाते हैं यहाँ पर। ओके मैं इधर जगह ही नहीं इतनी, मुझे इस टेबल को कहीं से हिलाना चाहिए, रुक जाओ। तो गाइस अभी आप देख सकते हो दोनों काउंटर्स हमारे लग चुके हैं और ये यहाँ पर टेबल आ चुके हैं। तो अब आराम से हम कर पाएंगे सारी की सारी चीजें। और यहाँ पर हमें और भी बहुत सारी स्पेस भी मिल चुकी है। तो मेरे पास है $331 लेफ्ट, तो इससे हम ऐसा कुछ मंगवा तो नहीं सकते, इसलिए मैं सोच रहा हूँ अपना बिल विल पे करने का, क्योंकि ये रेंट का और इसको भी पे कर देते हैं, और बैंक का भी आ चुका होगा, और ये भी डन। तो गाइस सारा का सारा हमने बिल पे कर दिया, $24 हमारे पास कुल बचे। तो मेरे ख्याल से गाइस आज के लिए सिर्फ इतना ही। आज हमने अपने स्टोर को बहुत ही ज्यादा प्रोग्रेस किया, पूरा का पूरा सामान यहाँ पर बढ़ चुका है, नई नई चीजें आ चुकी है जैसे कि केक चॉकलेट और भी अलग अलग केक कोल्ड ड्रिंक्स आ चुकी है। तो हमारा प्रोग्रेस बहुत ही ज्यादा अच्छा चल रहा है। अब अपना स्टोर ओपन होगा सीधा अगले एपिसोड में। तो गाइस आज की वीडियो से इतना ही, अगर आपको आज अच्छी तो लाइक कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर देना, पता नहीं चलेगी वीडियो फटाफट से कमेंट करके बता दो। और गाइस इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड डिस्क्रिप्शन में वहां पर जाके जॉइन फॉलो कर लेना। और गाइस हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।